हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 को पूरी तरह से लागू करने की अनुमति सरकार ने प्रदान कर दी है। इसके चलते अब राज्य के निजी स्कूलों को पहली के साथ साथ छठी कक्षा में 25% सीटें आरक्षित और गरीब बच्चों को प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। निजी स्कूलों को पहली कक्षा के छात्र को 1.5 किलोमीटर और छठी कक्षा के छात्र को 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले छात्रों को एडमिशन प्रदान करनी होगी। इसके चलते अब गरीब परिवारों के बच्चों को भी अपने घर के पास अच्छी शिक्षा प्राप्त होने का मौका मिल सकेगा। 25% छात्रों को निजी स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा छात्र को शिक्षा में होने वाले खर्च वहन करना पड़ेगा। शिक्षा का अधिकार 2009 में शुरू होने के बाद से निजी स्कूलों में 25% आरक्षित वर्ग और गरीब परिवारों के छात्रों को प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक निजी स्कूलों ने अपनी मनमानी करते हुए 25% आरक्षित सीटों को कभी छात्रों को प्रदान ही नहीं किया था। इस बारे में शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों को अपने मनमानी करना और RTE के नियमों का अवहेलना करना खूब महंगा पड़ेगा। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कांगड़ा दीपक कन्यात ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहली के 1.5 किलोमीटर और छठी के 3 किलोमीटर के भीतर 25% सीटें SC ST OBC BPL और IRDP के छात्रों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता है तो स्कूल की मान्यता तक रद्द की जा सकती है। RTE एक्ट के तहत सभी निजी पाठशालाओं को जो समाज से पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े SC ST और जो जनरल कैटेगरी में IRDP या BPL परिवार से संबंधित रखते बच्चों को पहली और छठी क्लास में दाखिला देना 25% दाखिला देना अनिवार्य है। और ये इसका एक क्राइटेरिया है कि वो बच्चा उस पाठशाला के 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में पहली कक्षा के लिए रहता हो और छठी क्लास के 3 किलोमीटर के दायरे में रहता हो। और इसका प्रोसेस है कि वो स्कूल में जाएगा, एप्लीकेशन देगा और वो एप्लीकेशन उसी ब्लॉक के VO से अप्रूव करा के स्कूल में एडमिशन देगा। बच्चे चाहे ICSE, CBSE या HP बोर्ड के सभी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को, इन बच्चों को एडमिशन देना आवश्यक है। 25% उसमें जो उनके टोटल बच्चे हैं उसमें से 25% उनको देना जरूरी है। यदि कोई पाठशाला, कोई प्राइवेट स्कूल इसको डिनाई करता है तो उनके मान्यता को रद्द किया जा सकता है।